नमस्कार, न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश में कुल मामलों की संख्या 9 लाख के पार, अब तक 23,000 से ज्यादा की मौत। गुजरात में डॉक्टरों के पद तो खाली लेकिन मेडिकल छात्रों को काम पर आने का आदेश। दिल्ली में कोरोना काल में वाल्मीकि मुस्लिम बस्ती ढहाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 14 जुलाई की सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के फिर से रिकॉर्ड 28,498 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से पीड़ित 553 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इसी बीच कोरोना से जूझ रहे 17,989 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 9,06,752 हो गई है। आज 14 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार अभी तक 63.2% यानी 5,71,460 मरीजों को ठीक किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण 23,727 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,11,565 हो गई है। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 1,20,92,503 सैंपलों की जाँच की गई है, जिसमें से 2,86,247 सैंपल की जाँच बीते 24 घंटों में ही हुई है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। सूरत के न्यू सिविल हॉस्पिटल से संबंधित गुजरात मेडिकल कॉलेज के छात्रों को उच्च अधिकारियों द्वारा पिछले हफ्ते शहर में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर क्लिनिकल पोस्टिंग को स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं। डीन के कार्यालय से जारी सर्कुलर में कहा गया कि स्थानीय छात्रों के साथ ही जो छात्र हॉस्टल में रह रहे हैं उन्हें कॉलेज में ही उपस्थित रहना होगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार क्लिनिकल पोस्टिंग अब अनिवार्य कर दी गई है। इससे सभी को आवासीय, भोजन और परिवहन की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। जो छात्र इस आदेश की अवहेलना करते हुए पाए जाएंगे उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और वे परीक्षाओं में बैठने की पात्रता से हाथ धो बैठेंगे। GMC के छात्रों ने कॉलेज की ओर से जारी इस सर्कुलर के खिलाफ ट्विटर पर अपना पक्ष रखा, जिसमें MBBS के छात्रों को क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए कॉलेज में उपस्थित रहने को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। GMC के छात्र यूनियन ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, विशेषकर उन छात्रों को लेकर जिन्हें इसके लिए दूर दराज के इलाकों से यात्रा करनी पड़ेगी, और मांग की है कि क्लिनिकल पोस्टिंग को स्वैच्छिक घोषित किया जाए। अपनी मांगों में उन्होंने यह भी जानना चाहा कि क्या छात्रों को इस सबके बदले में निर्धारित धनराशि, इंटर्नशिप में राहत, क्वारंटाइन के दौरान उचित होटल में रहने की सुविधा और सेवाओं के एवज में PPE किट मुहैया करवाई जाएगी या नहीं। वही तीसरी खबर जो है वह एक ग्राउंड रिपोर्ट है। ग्राउंड रिपोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह पहुंची पूर्वी दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी नगर के उस हिस्से में जहां 6 जुलाई को कोरोना संकट के दौरान ही 65 से 70 मकानों को तोड़ दिया गया, जिनमें से 100 से भी ज्यादा परिवार रहते थे। आज ये लोग मलबे के भीतर दबे अपने सामान नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये मलबा हटाकर जल्द से जल्द इलाके को साफ करने की कोशिश MCD और दिल्ली पुलिस कर रही है। आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट को। उन्होंने कहा यहाँ पे बात मत करो, जाके जल्दी से अपना सामान निकालो, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, बस शनिवार को आए थे और सोमवार को तोड़ गए पूरा सामान। तो क्या कागज आप लोगों के पास नहीं? सारे 70 साल हो गए मैं यहाँ रहते हुए, हमारे परदादा दादा सब यहीं के ही हैं। यहाँ पर आपके विधायक कौन है? ओम प्रकाश शर्मा, वो भी नहीं आए यहाँ पर। उन्होंने मिलने तो मना कर दिया कि मैं नहीं मिल रहा, बगावट दिया। कह रहे हैं हम दवाई खा के सो रहे हैं और हम नहीं जाएंगे, हम दवाई खा के सो रहे हैं। ये हमारे 1982 में अलॉट करा गया था हमारे। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की तरफ से इस समय हम ग्राउंड रिपोर्ट में पहुंचे हैं देश की राजधानी दिल्ली के ईस्ट लक्ष्मी नगर इलाके में। यहां पर दिन दहाड़े 6 जुलाई को 60 से अधिक घर ढहा दिए गए। कोरोना काल में जिस समय देश कोरोना से लड़ रहा है उस समय वे घर गिराए गए, उनमें से कई घरों में कोरोना पॉजिटिव लोग थे। और ये जब हो रहा था तब यहाँ के विधायक और सांसद पूरी की पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए थे, और आज तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है इनका हाल जानने के लिए। आलम यह है कि हमारी आंखों के सामने मलबा पड़ा हुआ है, मलबे की हिफाजत के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मैं
गोटी गुटले करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, सभी की दिहाड़ी मजदूरी है, कोई कुछ करता है, झाड़ू पोछे में कोठियों में जाके काम करते हैं। आज हमें रोड पे बैठाया गया है। कितने दिन हो गए? ये सोमवार से दिल लगा हुए, सोमवार के दिन तुड़ाई लगी थी। अच्छा, सोमवार को हमारा सारा सामान बारिश में भीगा है, लॉकडाउन लग रहा है, हमें कोई भी किराए पे मकान नहीं दे रहा है। हम तो बर्तन करते हैं कि कूड़ा उठाते हैं, पहले कच्चे मोहल्ले थे वो करते थे, यहीं पे करते हैं, नाली मोड़ी काटते हैं, सरकारी नौकरी है ही नहीं, प्राइवेट मोहल्ले करते हैं। हम तो क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो कोई मकान नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, अब तो भूखे और मरे, ना कोई काम पे जाएं, क्या यहाँ पे पढ़े, पढ़ने ही नहीं दे रहे, मारते हैं बहुत बुरी तरह। देखो ये लग रहा है जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ, जब हमारे घर तोड़ रहे थे, हम अड़ गए थे कि हमें नहीं तोड़ो, हमारे घर मत तोड़ो, तो इन लोगों ने लाठी चार्ज करके हमारा हटा दिया, बुरी तरह मारा, ये रहे जगह जगह हमारे नील डाले हुए हैं, मिर्च के स्प्रे डाले, अब हम मलबे के लिए लड़ रहे हैं, अपने हमारा सामान दबा हुआ है, हमारी एक आधी कान नाक किसी ने अपने बच्चों के लिए बनाई हुई, किसी ने किसी लिए, तो ये हमारा मलबा भी रात दिन उठा रहे हैं, रात को उठाते हैं सड़क पर। क्या काम करते हैं आप लोग? सफाई कर्मचारी, हम सफाई का काम करते हैं, जिनकी नौकरी है वो नौकरी करते हैं, जिनकी नौकरी नहीं है वो घरों में झाड़ू पोछे बर्तन करते हैं। ठीक है, आप कब से रह रही थी? हमें यहाँ 60 साल हो गए, मेरी सास ससुर को, ये मेरी ससुराल है, और मुझे अभी यहाँ 25 साल हो चुके हैं। लोगों ने पैसा भर दिया, सरकार ने पैसा खा लिया, ऊपर तक बिक गए लोग, ऊपर तक बिक गए, तो उन्होंने कह दिया कोई सुनवाई नहीं है, आपका ऑर्डर नहीं है, हमने बारे लोगों की शान हमारे मकानों की वैल्यू घट रही है, वो लगाया गया हमारे घर पे नोटिस, शनिवार को कार्रवाई नहीं होती, संडे को नहीं होती नोटिस, ऐसे टाइम पे लगाया, बताओ बच्चों को कहाँ से पाले, लॉकडाउन वैसे चल रहा है, पैसा पास नहीं है, भूखे प्यासे बैठे हुए अभी तक। लोगों में अफवाह फैली कि घर टूटने वाले हैं, तो सबने अपने एडवोकेट को कॉन्टैक्ट किया, जब एडवोकेट को कॉन्टैक्ट किया तो उसने इनको झांसे में रख के कि नहीं टूटेगा, कोरोना का टाइम है, हम स्टे ले लेंगे, तो उनसे पैसे वगैरह लेके सब रुक के चला गया। उस दिन भी 6 तारीख को भी बैठक लगा हुआ था, तो वो तो खैर रिजेक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका करकटुमा में था, और उसके बाद से घर एडवोकेट ने ये भी बोला कि आप अपना घर मत रखिए, क्योंकि सामान मतलब निकाले तो एमसीडी वाले नहीं तोड़ेंगे क्योंकि सामान है, लेकिन उन्होंने लोगों ने एडवोकेट पे भरोसा करके नहीं निकाला सामान, अब वो सामान के साथ साथ घर भी सब टूट गया है इन लोगों का। यहाँ पर जो लोग रहते थे क्या पेशा था, क्या थे? ज़्यादातर लोग यहाँ पे लगभग 75 घर थे, लाइन में, तो ज़्यादातर नहीं, एक्चुअली सभी लोग यहाँ पे सफाई कर्मचारी थे, कुछ एमसीडी में काम करते थे, कुछ एमसीडी में कॉन्ट्रैक्टर बेचते थे, कुछ प्राइवेट घरों में साफ करते थे घर, झाड़ू पोछा। मुस्लिम परिवार भी है? मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ पे, आगे कुछ फैमिलीज थी, 40% मुस्लिम थे, बाकी 60% हिंदू थे। जितना मैंने कल मैं पिछले 2-3 दिन से आके यहाँ पे जो लोगों से बात की है, पता किया है, तो मेरे को 110 लोगों की फैमिलीज की इन्फॉर्मेशन अभी तक मेरे पास आई है कि वो लोग 110 परिवार यहाँ थे। जी 110 थे, उससे ज़्यादा ही थे, क्योंकि आधे लोग तो उसी टाइम कहीं अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। अच्छा, यहाँ खबर ये भी आई कि कोरोना भी कुछ लोगों का था, 3-4 घरों में लोग क्वारंटाइन थे, जब जो नरेंद्र जी थे उनको बोला कि यहाँ पे क्वारंटाइन है, कुछ लोग उनके घर में है, तो उन्होंने वो भी नहीं सुना, उनका घर भी तोड़ दिया, सामान के साथ उनका घर भी गया। अब इस मलबे में काफ़ी सामान लोगों का दबा हुआ है, जो जमा पूंजी लोगों ने जैसे तैसे बताई अपनी, इसी जगह पे जो कॉलोनी टूटी है, इस जगह पे 3 कोरोना पेशेंट थे और इतनी दिक्कत आ रही है, बारी हमारे कॉलोनी में आके देखे हम कितने परेशान हैं, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है और बहुत ज़्यादा दिक्कत में, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे हैं, और आपसे निवेदन है आप एक बारी कॉलोनी में आके देखें हम कितने ज़्यादा परेशान हैं। किसको कोरोना था? बड़े भाई को, बड़े भाई से पहले मम्मी ख़त्म हुई 10 दिन पहले ही, और बड़े भाई को कोरोना था, कल डेट ख़त्म होती उनकी, उन्हें भी धक्का दे के उन्होंने, पुलिस वालों ने धक्का दे के मारा, और घर से बिल्कुल लेडीज़ों को भी मारा, सब आटा तक भी नहीं निकाल दिया, पूरा सामान टेस्ट नेस्ट कर, फिर भाई को कोरोना हुआ और कोरोना में एकदम धक्का दे के घर से बाहर करा भाई। भाई कहाँ रहते थे आप? भाई यहीं रहते थे। यहाँ पे कोई सहायता करने नहीं आया, कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई नहीं आया, बड़े लोगों के पास गए, किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की, वाला कोई भी नहीं आया, उन्हीं की वीडियो बन रही थी, कोई नेता नहीं आया, के हाथ जोड़े भैया ने, कोई नेता नहीं आया। क्या मकान नंबर था आपका? 339। कब तोड़ना शुरू हुआ, कब नोटिस मिली आपको? ये हमें मिला था कुछ 10-15 दिन पहले मिला था,
लेकिन हमने वकील किया था, जो कि वकील ने हमसे पैसे खाए, सब कुछ किया। हमने उनको 5-5 हज़ार तक 10 हज़ार रुपये दिए और हर तारीख पे उनको 1500 रुपये और 1200 रुपये किसी से जो नहीं भी दे सकता था उन्होंने भी दिए। और उन्होंने हमसे बोला सोमवार को कि हमने अगस्त तक का ये ऑर्डर ले लिया है रुकने का। और हम ज़्यादा हम जानते नहीं हैं, देखो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसा वो कहते गए हम करते गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारे घर टूट गए। ऐसा क्यों हमारे को यहाँ से वहाँ तक खड़ा नहीं होता था, यहाँ पे मारते पीटते लेके गए हैं और भाई डंडे लेके आते थे। और दिखाऊंगा आपको कमर अपनी, तो मेरी कमर में डंडे लगे हुए हैं बिल्कुल, वहाँ से वहाँ तक बोलते थे बारीगढ़ से बाहर जाओ, बाहर हो जाओ। उसमें कुछ प्रेगनेंट लेडीज भी थी जिनको मिस कैरिज हो गया है, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ गया घर में घुस घुस के पुलिस वालों ने किया। उनकी रिपोर्ट लेडीज पुलिस भी आई थी या जेंट्स पुलिस ने की? जेंट्स भी थे, लेडीज भी थी, सबने मारा है, जेंट्स ने भी लेडीज ने बच्चों को भी मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग कोनों में जाकर सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं, पैर धोते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ जब देश की राजधानी में सफाई कर्मचारियों के घरों को तोड़ा जाता है, उनकी जिंदगियों को तबाह किया जाता है, तब एक लाइन, एक शब्द और एक शब्द का हस्तक्षेप उनकी तरफ से नहीं आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ पर उनके ही राज्य में इतने बड़े पैमाने पर घर तोड़े जाते हैं और एक हस्तक्षेप उनकी तरफ से नहीं आता है। इतने ज़्यादा कानून का उल्लंघन सरेआम जब देश की राजधानी में हो रहा है, तब वाकई यह सवाल तो बनता ही है कि ये सरकारें कौन लोग चुन रहे हैं और ये सरकारें किनके लिए काम कर रही हैं। पूरी उम्र निकल जाती है एक घर बनाने में, और जिस तरह से यहाँ देश की राजधानी में 60 से अधिक घर और इतनी जिंदगियाँ बर्बाद की गईं, उसमें शायद एक मिनट के लिए भी सोचा नहीं गया कि ये जो परिवार यहाँ से बेघर किए जा रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, और वो भी ऐसे समय जिस समय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर इतने चिंतित हैं। क्या ये लोग जो निकाले गए ये भारतीय नागरिक नहीं हैं? इन्हें ज़िंदा रहने का हक नहीं है? क्या ये कोरोना से प्रभावित नहीं हो सकते? ये तमाम सवाल जो पूछे जाने चाहिए इन लोगों के द्वारा, लेकिन सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़ क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।